दृष्टि आई के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से जिसमें हमने आपसे पूछा था घर पोर्टल किसने विकसित और लॉन्च किया है आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ऑप्शन बी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ऑप्शन सी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रीय महिला आयोग इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग आप में से कई ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझाव के साथ साथ आपके उत्तरों का हमें इंतजार रहता है चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं हाल ही में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने लोकसभा में घर पोर्टल के बारे में जानकारी साझा की घर पोर्टल को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने विकसित और लॉन्च किया है इसलिए विकल्प बी सही है घर का पूरा नाम गो होम एंड री है इसे बच्चों की बहाली और प्रत्यावर्तन को डिजिटल रूप से मॉनिटर और ट्रैक करने के लिए विकसित किया गया है ये पोर्टल किशोर न्याय प्रणाली में शामिल बच्चों की डिजिटल ट्रैकिंग और निगरानी करता है इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प पी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है एकात्म योग की अवधारणा किसने दी आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू बी आर अम्बेडकर या फिर श्री अरबिंदो तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी श्री अरविंदो चलिए आगे की बात को इस प्रश्न समझते हैं हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री अरबिंदो की एक जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम में भाग लिया श्री अरबिंदो का जन्म 15 अगस्त अठारह को कलकत्ता में हुआ था वह भारत के पहले राजनीतिक नेता थे जिन्होंने अपने अखबार बंदे मातरम में खुले तौर पर देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता का विचार सामने रखा उन्होंने आध्यात्मिक अभ्यास की एक नई पद्धति विकसित की जिसे उन्होंने एकात्म योग या इंटीग्रल योग कहा इसलिए विकल्प डी सही है इसका उद्देश्य एक आध्यात्मिक अनुभूति है जो न केवल मनुष्य की चेतना को मुक्त करती है बल्कि उसकी प्रकृति को भी बदल देती है इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी अरविंदो घोष अगला प्रश्न है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किस अवधि में लागू किया जाएगा आपके ऑप्शन है 2022-23 से 2026-27 2022-23 से 2031-32 2022-23 से 2036-37 या फिर 2022-23 से 2041-42 तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए वर्ष 2022-23 से, से वर्ष 2026-27 हाल ही में भारत सरकार ने न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम यानी एनआईएलपी नाम से एक केंद्र प्रायोजित योजना की घोषणा की है एनआईएल पी पांच वर्षीय योजना है जो 2022-23 से 2026-27 तक कार्यान्वित की जाएगी इसलिए विकल्प ए सही है इस कार्यक्रम का लक्ष्य मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता घटक के तहत पांच करोड़ छात्रों को कवर करना है इस कार्यक्रम के पांच उद्देश्य है पहला मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान दूसरा महत्वपूर्ण जीवन कौशल तीसरा व्यवसायिक कौशल विकास चौथा बुनियादी शिक्षा और पांचवा वयस्क शिक्षा इस योजना का कुल वित्तीय परिवहन लगभग एक करोड़ रुपए है जिसमें 700 करोड़ रुपए केंद्र और 340 करोड़ रुपए राज्य वहन करेंगे इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 2022-23 बाईस तेईस से दो हजार चलिए अगला प्रश्न देखते हैं माइक्रोसेफली स्थिति निम्नलिखित में से किस बीमारी से जुड़ी है आपके ऑप्शन है तपेदिक निपाह वायरस जीका वायरस या फिर रेबीज तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी जीका वायरस हाल ही में कर्नाटक राज्य में एक पांच वर्षीय बच्चे में जीका वायरस की पुष्टि हुई है जीका वायरस फ्लेवीडे परिवार से संबंधित है इस वायरस को पहली बार सैंतालीस तो में युगांडा के जीका वन में रिसस बंदर में पहचाना गया जबकि मनुष्यों में इसकी पुष्टि उन्नीस में हुई थी यह मुख्य रूप से एडीज मच्छरों द्वारा फैलता है जो ज्यादातर दिन में काटते हैं यह वायरस गर्भावस्था के दौरान माँ से भ्रूण में भी फैलता है इस वायरस से आमतौर पर हल्का बुखार दर्द चकत्ते आदि समस्याएं सामने आती हैं लेकिन 2016 में इस वायरस से गर्भावस्था के दौरान संक्रमित महिलाओं से पैदा हुए बच्चों में माइक्रोसेफली यानी अविकसित सिर और मस्तिष्क दोष की स्थिति देखी गई इसलिए विकल्प सी सही है इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प सी जी वायरस चलिए अगला प्रश्न देखते हैं विश्व के पहले व्यवसायिक चंद्र लैंडर से कौन सा देश जुड़ा हुआ है आपके ऑप्शन है अमेरिका जापान चीन या फिर फ्रांस तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी जापान चलिए से बात को समझते हैं हाल ही में जापान की आई स्पेस कंपनी ने दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया इसलिए विकल्प बी सही है जापानी कंपनी ने अपने हैकोटो आर मिशन के तहत स्पेस एक्स के फाल्कन नाइन रॉकेट से चंद्रमा पर अपना निजी लैंडर एम लॉन्च किया इसका उद्देश्य एटलस क्रेटर में नीचे उतरने से पहले जल के भंडार की खोज करना है आपको बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका रूस और चीन की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की है लेकिन किसी भी निजी कंपनी ने ये सफलता हासिल नहीं की है इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी जापान अगला प्रश्न है भारतीय कला और संस्कृति के संदर्भ में गौर क्या है आपके ऑप्शन है छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य झारखंड का लोक संगीत बौद्ध साहित्य या फिर महाराष्ट्र का कला रूप तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य गौर में में बस्तर में विवाह के अवसर पर किया जाने वाला एक लोक नृत्य है इसलिए विकल्प ए सही है ये छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश राज्य से भी जुड़ा हुआ है इस नृत्य में पुरुष और महिला दोनों चमकीले और असाधारण कपड़े पहनते हैं पुरुष रंगीन पोशाक और मोर पंखों से सजी टोपी पहनते हैं तो वही महिलाएं पीतल और मोतियों से बने आभूषण पहनती हैं इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन एक है यह दिन हर साल तेरह दिसंबर को मनाया जाता है कथन दो है इसका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में देश की उपलब्धियों को प्रदर्शित करना है उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों और न तो एक न ही दो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल दो कथन जो है सही है हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार और राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी बीईई द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर साल चौदह दिसंबर को मनाया जाता है इसलिए कथन एक सही नहीं है इसे मनाने का उद्देश्य ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में देश की उपलब्धियों को प्रदर्शित करना है इसलिए कथन दो सही है इस प्रकार विकल्प बी सही हुआ आपको बता दें कि बीईई केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प बी यानी केवल दो कथन जो है सही है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय राज्यवस्था के संदर्भ में निजी सदस्य विधेयक क्या है आपके ऑप्शन है वह विधेयक जिसे एक मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है वह विधेयक जिसे मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है वह विधेयक जिसे राष्ट्रपति द्वारा संसद में पेश किया जाता है या फिर इनमें से कोई भी नहीं तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी वह विधेयक है जिसे मंत्री के द्वारा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है चलिए से आगे की बात को समझते हैं हाल ही में एक राज्यसभा सदस्य ने देश भर में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन पर एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया निजी सदस्य विधेयक ऐसा विधेयक है जिसे मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है इसलिए विकल्प बी सही है सदन द्वारा इसकी अस्वीकृति का सरकार में संसदीय विश्वास या इसके इस्तीफे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है आपको बता दें कि सार्वजनिक विधेयक संसद में एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी वह विधेयक है जिसे मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी आई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन एक है ये सभी के लिए एक सुरक्षित और सतत ऊर्जा भविष्य को आकार देने के लिए प्रतिबद्ध है कथन दो है भारत का सहयोगी सदस्य नहीं है उपयोग में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों और न तो एक न ही दो तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए ने कहा है कि डिस्कॉम की खराब वित्तीय स्थिति भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है आपको बता दें कि आई की स्थापना वर्ष उन्नीस में हुई थी ये वैश्विक ऊर्जा पर नीतिगत सिफारिशें विश्लेषण और डेटा प्रदान करता है ये सभी के लिए एक सुरक्षित और सतत ऊर्जा भविष्य को आकार देने के लिए प्रतिबद्ध है इसलिए कथन एक सही है इसमें इकतीस सदस्य देश शामिल हैं जिनमें भारत एक सहयोगी सदस्य है इसलिए कथन दो सही नहीं है इस प्रकार विकल्प ए सही हुआ यानी कि केवल एक कथन जो है सही है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एस एन आई स्कोर की सबसे अच्छी व्याख्या करता है सुपर कंप्यूटर एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म मशीन लर्निंग एलगोरिद्म या फिर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी मशीन लर्निंग एल्गोरिद्म हाल ही में खगोलविदों ने एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम विकसित किया है जिसे एस एन आई स्कोर नाम दिया गया है इसलिए विकल्प सही है इस एल्गोरिदम ने 1000 सुपरनोवा का सफलतापूर्वक वर्गीकरण किया है यह एल्गोरिदम पालोमर वेदशाला में एक आकाश सर्वेक्षण उपकरण द्विकी की सुविधा यानी जेड द्वारा कैप्चर किए गए डेटा पर लागू होता है हर रात जेटीएफ आकाश को स्कैन करता है और परिवर्तनों की खोज करता है रात में जेट दुनिया भर के खगोलविदों को सैकड़ों हजारों अलर्ट भेजता है और उन्हें ऐसी क्षणिक घटनाओं की सूचना देता है इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी मशीन लर्निंग एल्गोरिद्म चलिए अब हम पहुंच गए हैं एपिसोड के आखिरी प्रश्न पर तो एपिसोड का आखिरी प्रश्न है निर्भया फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन एक है इसे महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें बढ़ाने के उद्देश्य से की गई पहलों के कार्यान्वयन के लिए स्थापित किया गया था कथन दो है इस योजना का नोडल मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों और न तो एक न ही दो तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनों चलिए एक्सपीशन आगे की बात को समझते हैं हाल ही में गृह मंत्रालय ने राज्यों को निर्भया फंड के तहत लगभग निन्यानवे करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है निर्भया फंड की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2013 में की गई थी यह फंड देश में महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें बढ़ाने के उद्देश्य से की गई पहलों के कार्यान्वयन के लिए स्थापित किया गया था इसलिए कथन एक सही है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस फंड के तहत वित्त पोषित होने वाले प्रस्तावों और योजनाओं का मूल्यांकन या सिफारिश करने वाला नोडल मंत्रालय है इसलिए कथन दो सही है इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी एक और दो दोनों ही कथन जो है सही है चलिए अब प्रश्न देख लेते हैं भारतीय नौसेना द्वारा कॉर्परेट अभ्यास का संस्करण किसके साथ आयोजित किया जा रहा है आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलियाई नौसेना ऑप्शन बी चीनी नौसेना ऑप्शन सी अमेरिकी नौसेना या फिर ऑप्शन डी इंडोनेशियाई नौसेना तो व्यूअर्स इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना न जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवालों और उनके नए नए जवाबों के साथ तब तक के लिए शुक्रिया